नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप न्यूज 18 इंडिया पर 10 बजे का विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, रामलला की आपकी प्यारी नगरी अयोध्या श्री से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, सनातन आस्था के अवलंब, कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं के प्रतिबिंब, रामलला की दिव्य मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की प्राण प्रिय नगरी अयोध्या में इस वक्त माहौल एकदम राममय हो चुका है और रामलला की दिव्य मूर्ति के दर्शन करवाने का सौभाग्य आज हमें मिला है। चिर प्रतीक्षित राम मंदिर के गर्भगृह में आज क्या क्या हुआ, राम मंदिर के मंडपम में आज प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कौन कौन सी पूजा हुई, प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास और गौरव को समेटे अयोध्या श्री से मेरे साथ कीजिए रामलला के विग्रह के दिव्य दर्शन। श्याम वर्ण कृष्ण शिला पर निर्मित मूर्ति, बाल स्वरूप में हाथ में धनुष बाण लिए राम लला की मूर्ति, काम कोटि छवि श्याम सरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, न अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे जन मोती। जैसे श्री रामचरित मानस के बाल कांड में बाल रूप रामलला के सौंदर्य का वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा को समेटे रामलला की दिव्य मूर्ति। ये श्याम वर्ण मूर्ति भगवान राम के धाम की केंद्र बिंदु बनी हुई है। 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति, कमल दल पर रामलला के चरण, कमल दल के नीचे 20 इंच ऊंचा पेडस्टल, हूबहू वही स्वरूप जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि रामायण में मिलता है, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस में मिलता है। तनक दुती श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलिताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दम कै दुतिया दुती दामिनी ज्यो, किल कै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है, नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं, धूली से भरे होने पर भी वो बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं, उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वो किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के बालक अपने पूरे परिवार के साथ जन्मभूमि मंदिर में सदैव विहार करेंगे, अपने दर्शन देकर भक्तजनों को निहार करेंगे। जिस तरह के विशेषज्ञों ने मूर्तियां तैयार की और जिन सुपर स्पेशलिस्ट ने उनमें से चयन किया, निश्चित तौर पर वो अद्वितीय है, अद्भुत है और वैसा ही पूरा देश इंतजार भी कर रहा है। जिनके दर्शन मात्र से भक्तों का पुण्य बढ़ जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पहले उस प्रभु श्री राम की अचल मूर्ति के दिव्य दर्शन कीजिए। रामलला की नई दिव्य मूर्ति का स्वरूप अत्यंत मनोहारी है। राम के 4 से 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति गढ़ी गई है। सूर्यवंशी श्री राम की मूर्ति में मस्तक के ऊपर भगवान भास्कर सूर्य भगवान है। ध्यान से देखने पर मूर्ति में शेषनाग के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि भगवान राम विष्णु के ही अवतार थे और क्षीर सागर में शेषनाग भगवान विष्णु को शैया के रूप में आराम देते हैं। दाईं तरफ ओम अंकित है, नीचे दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए बजरंग बली हैं।
गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति को ऐसा अद्भुत स्थान दिया गया है कि दर्शन को आए भक्तों को न नीचे देखना होगा न ऊपर देखना होगा, एकदम आंखों की सीध में श्री राम विराजमान अपने दिव्य दर्शन देंगे। श्री राम जो काल गति से परे है, चिरंतन है, जो सकल चराचर में समाए है, उनके बाल रूप की जो मूर्त है, यानी उस मूर्ति को रूप देना किसी चैलेंज से कम नहीं था। अयोध्या जी में ही तीन अलग अलग जगहों पर मूर्तिकारों की तीन टीमें जो हैं वो रामलला की मूर्ति को तराशने में महीनों से लगी रही, दिन रात एक करती। तीनों टीमें अपनी मूर्ति में उस लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा श्री राम की छवि को उकेरने में लगी रही। आखिर में कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हो गया, फिर उसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। और आज उसी मूर्ति ने जब गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण किया तो पूरे देश ने जगमग आंखों से दीदार किया। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है। रामलला का जो विग्रह गर्भगृह में स्थापित किया गया है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत है, अलौकिक है। इस विग्रह को कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने कृष्ण शिला पर अपने हथौड़े छेनी की संगत से कढ़ा है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। इस नई मूर्ति को अचल मूर्ति का नाम दिया गया है। कृष्ण शिला से बने रामलला, कृष्ण शिला पर उकेरी गई रामलला की अलौकिक आकृति, पत्थर के उकेरे गए रामलला के कमल नयन, हाथ में धनुष और बाण, ओम सूर्य और बजरंग बली। यह मूर्ति है पुरुषों के आचरण का आदर्श रचने वाले भगवान राम की, जिनकी कथा घर घर में सुनी जाती है। प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर 5 शताब्दियों के पश्चात पुनः पधारे हैं। इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उत्सुकता से प्रतीक्षा में है। ऐसे श्री राम के विग्रह को अपने हाथ से गढ़ना मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। हमको दिया गया था 5 साल का राम बनाने के लिए एंड साथ में वो बाल भी रहना है और राम जैसा भी दिखना है, गंभीरता भी रहे और चंचलता। यस एंड दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क हियर। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, पहली तस्वीर में राम लला की पूर्ण तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में विधान के अनुसार भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम लला के इस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब आंखों से पट्टी खोली जाएगी। अयोध्या में रामलला की नई मूर्ति के ठीक सामने एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन है। सोने के उसी सिंहासन पर चल मूर्ति के रूप में रामलला विराजमान दर्शन देंगे। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी वहीं रहेंगी। छोटे रामलला है जो अस्थाई मंदिर में है उनको भी उसी जगह स्थान दिया गया है कि जो बहुत दिनों से पूजित हो रहे आ रहे हैं उनकी भी पूजा उसी साथ में होगी। इसे आज वो मूर्ति शाम के संध्या आरती के बाद में वहाँ स्थापित की जाएगी। रामलला की यही चल मूर्ति अस्थाई मंदिर में विराजमान थी। इन्हीं मूर्तियों का दर्शन आम से लेकर देश के प्रधान तक करते रहे हैं। अब नई मूर्ति के साथ ये मूर्तियां भी चिरकाल तक गर्भगृह में विराजमान रहेंगी। अब सवाल यह है कि राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की दो दो मूर्ति का क्या काम? जवाब जान लीजिए। रामलला विराजमान की मूर्ति बाल स्वरूप में है, उनके हाथों में एक खिलौना है। बाल स्वरूप में छोटी मूर्ति होने से भक्तों को रामलला विराजमान के दर्शन में दिक्कत होती है। गर्भगृह के सामने आने पर भी भक्तों को छोटी मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाते हैं, भक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए श्री राम की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है। विशेष अवसरों या झांकी जैसे कार्यक्रमों में रामलला की चल मूर्ति यानी वर्तमान रामलला विराजमान को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक भक्त उनके दर्शन कर सके, लेकिन अचल मूर्ति हमेशा हमेशा के लिए गर्भगृह में ही स्थापित रहेगी।
जैसे अयोध्या में भगवान राम के अवतार से राजा दशरथ के महल का सूनापन दूर हुआ था, धर्म को एक नई दिशा मिली थी। त्रेता युग में राम एक इंसान की तरह जैसे धरती से पाप मिटाने के लिए अवतरित हुए थे, जैसे राम अवतार से धरती पर पुरुषों की मर्यादा का उत्तम रूप प्रस्तुत हुआ था, ठीक उसी भाव उसी एहसास को मुख्य मूर्ति में उकेरने की कोशिश हुई है और राम भक्तों को वही देखने का सौभाग्य प्राप्त भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल होंगे। इसी शाम वर्ण विग्रह की आंख की पट्टी खोलकर उन्हें आईना दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भगवान श्री राम को सोने के सिक्के से काजल लगाएंगे। आखिर में पीएम मोदी राम लला की महाआरती करेंगे। पहली महाआरती के बाद प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान सम्पन्न हो जाएगा।